इन सारे टूल्स का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, 2 से 3 टूल्स का यूज़ करके बताऊंगा। बाकी सबका मैंने वीडियोस जो एक एक करके बना रखा है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, इसके अंदर जो कितने सारे मतलब जो टारगेट और स्टॉप लॉस जो होता है उसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, उसको भी जाके आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों ऊपर के कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स माने जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले कि मैंने निफ्टी 50 का ओपन करके रखा है चार्ट, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट है। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो टूल है ना, ये दोस्तों क्या है कि ये कर्सर वाला ही टूल है जिससे हम दोस्तों इसको मूव करते हैं, ठीक है। सेकेंड टूल में आपको बहुत सारे लाइंस देखने को मिल जाएगी इसमें दोस्तों। ऊपर में देखो ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है। अभी दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हो ना तो आपको इसमें से ज़्यादा इसमें से लाइन की यूज़ नहीं करनी, आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना नीचे वाला और हॉरिजॉन्टल रे, इनको ही ज़्यादा आपका इस्तेमाल करना है और ट्रेंड लाइन को आपको ज़्यादा यूज़ करना है। बाकी दो थोड़ा बहुत आप सीख जाओगे ना, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है आपको ये सब को जो है यहाँ पे आपकी को जरूरत पड़ सकता है ये सब को भी देखने का, क्योंकि दोस्तों जो है आप थोड़ा एक्स्ट्रा जब ज़्यादा जान लोगे ट्रेडिंग के बारे में और चार्ट के बारे में तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी बेसिक में बिगनर्स में ना ये सब चीज़ काफ़ी, ऊपर के जो 2-3 चीज़ें ना वो काफ़ी है जो आपको दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पर जो है हेल्प कर देगा। सबसे ऊपर वाला क्या है, ट्रेंड लाइन। इसमें आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको दोस्तों क्या करना है, टैप करना है जहाँ से लेके जहाँ तक आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। ये दोस्तों ये ड्रॉ करना तब होता है जब दोस्तों आपको ये पता करना है कि मार्केट मतलब कि एक ट्रेंड में जा रहा है और आपको लाइन ड्रॉ करना है उसी ट्रेंड के बेस पे, तो दोस्तों आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे समझ लो कि यहाँ मुझे एक रेजिस्टेंस बनाना है तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा और ये वाले पॉइंट को यहाँ पे खींच करके लेके जाऊँगा, जहाँ पे भी दूसरा टाइप टैप करूँगा ना वहाँ पे ये पूरा लाइन बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ दोस्तों देखो यहाँ पे एक लाइन बन के तैयार हो गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है। अब दोस्तों इसको जो है ना हम यहाँ से पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई। अब दोस्तों जो यहाँ पे लाइन है ये हॉरिजॉन्टल वाली मैं जो बोल रहा था, इस पर अगर आप क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों इस बीच वाले पॉइंट को जहाँ भी लेके जाओगे ना, जैसे समझ लो कि हम इस वाले पॉइंट पे लेके जाते हैं, ये 13:40 का पॉइंट है, इस पर से भी एक टैप करोगे स्क्रीन पे तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों काम इसका होता है, ठीक। दोस्तों अब जिस टूल के बारे में बता रहा हूँ ना ध्यान से देखना आप, आपको मालूम पड़ेगा उसका पाथ वाला वो लाइन है, मतलब पाथ वाला जो है लाइन है ना आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे समझ लो कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये रेजिस्टेंस और वापस एक और लाइन हम बनाएंगे, चलो ये वाला, यहाँ पे ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। अब दोस्तों मार्केट में किस तरीके से मतलब हम प्रेडिक्शन करेंगे उसके लिए दोस्तों अगर हम पाथ आपको ड्रॉ करना है ना, तो ये ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करो, उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे देखो पाथ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो समझ लो कि आपका प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे जहाँ से मतलब इसको जहाँ पे भी टैप करो ना, यहाँ पे टैप किए फिर दोस्तों ऊपर गया, यहाँ पर टैप किए फिर यहाँ से दोस्तों छोड़ दोगे तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। और अगर दोस्तों ऐसा नहीं छोड़ोगे ना, दोस्तों पहले डिलीट करता हूँ और ये देखो वापस से मैं दोस्तों बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक किए फिर ऊपर क्लिक किए फिर एक रिटेस्ट के लिए यहाँ क्लिक किए और फिर दोस्तों मार्केट को यहाँ पे ऊपर ऐसे 2 डबल क्लिक कर दिए। अब दोस्तों ये ऐसा सेट हो गया, मतलब यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ये सपोर्ट पे वापस से सपोर्ट के पास अगर रिटेस्ट करेगा फिर जाके मार्केट जो ऊपर की साइड बूम होगा, तो हम यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना पाथ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे के लिए जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर समझ लो कि मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर एक टैप किए फिर एक टैप यहाँ पर किए और अरे यहाँ पे क्या हो गया ना, ये थोड़ा नीचे था ना इसके लिए ऐसा हो गया। एक मिनट में आपको वापस से करके दिखाता हूँ, पाथ को सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आया फिर दोस्तों थोड़ा सा वो नीचे गया फिर दोस्तों यहाँ से आया और फिर थोड़ा सा रिट्रेस लिया और फिर यहाँ से नीचे की साइड जो है बूम हो गया। तो ये देखो इस तरीके से इसको पास के लिए ड्रॉ किया। आप जान देखे होगे कि आप बहुत सारे जो अलग अलग ट्रेडर्स हैं ना इसको यूज़ करते हैं, आपने चार्ट के ऊपर जरूर देखा होगा, ठीक है। तो ये वाली एक लाइन हो गई। अब दोस्तों एक और लाइन है जिसको जिसके बारे में आपको बताता हूँ, एक मिनट इसको सारे को पहले रफ कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ ये सारे लाइन्स को, ताकि दोस्तों कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ज़्यादा लाइन्स होता है ना तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कन्फ्यूज़न होती है। अब आपको दोस्तों इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रश है जिससे इससे दोस्तों आप क्या है कि ब्रश कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर क्या है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पेंसिल की तरह जो है यूज़ किया जाता है, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे रेक्टेंगल वाले को क्लिक करना है और दोस्तों आप यहाँ से क्या करते हो कोई भी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना जोन की तरह जो है यहाँ पे बना सकते हो। ये देखो इसको बस ऐसे करना है, मतलब करना क्या क्लिक करना है सिंपली उस पर, देखो ये रेक्टेंगल वाले पे। अब जो बीट वाला बीच वाला पॉइंट है ना, जैसे समझ लो कि इस वाले को रेंज को हमें साइडवेज शो करना है, तो इस पर आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऐसे खींचोगे ना तो ये यहाँ तक देखो यहाँ पर खींचा जाता है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से इस रेक्टेंगल के जोन को यूज़ करना है, इससे दोस्तों बहुत अच्छा खासा आप जो एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि समझ लो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैंने इसको लगाया, देखो ये थोड़ा अच्छा देखने को लगता है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हो ना तो मैं हमेशा इसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि वैसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना एक जोन होता है, ठीक है। और हम इसको दोस्तों लाइन्स पर जो है हम बनाते हैं ना तो ये हम गलती करते हैं, हमें ये चीज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर
जोन के रूप में इसको देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, सप्लाई और डिमांड की जोन के रूप में, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हो, बाकी साइडवेज मार्केट को भी शो करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो, बाकी टेक्स्ट वगैरह का कुछ। और यहाँ पे दोस्तों एक टूल है जो थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फिबोनाची करके सबसे फर्स्ट का, यही आपका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टूल है। बाकी मतलब कि इन सारे में ना मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी यही लगता है, अगर आप एक बिगिनर्स हो तो। पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। चलो अब दोस्तों इसको यूज़ कैसे करना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे सब लोग मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के लिए अगर आपको देखना है ना, तो आपको क्या करना है, फिबोनाची पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो मिडल पॉइंट है ना, इस मिडल पॉइंट के सबसे नीचे चार्ट में जहाँ सबसे नीचे वाला पॉइंट जो लोवेस्ट पॉइंट दिख रहा है, उस पर आपको लेके आना, डबल टैप कर देना है। डबल टैप करना, एक मिनट, डबल टैप नहीं करना था, सिंगल टैप करना था। वापस से फिबोनाची को हम सिलेक्ट करते हैं, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे लाते हैं लोवेस्ट पॉइंट के, क्योंकि हम अप ट्रेंड में देख रहे हैं, तो हम अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे अगर फिबोनाची लगा रहे हैं ना, तो हमें नीचे में ही टैप करना पड़ेगा। नीचे टैप करना एक, और उसको धीरे से खींच करके जो है ना, खींच करके ऊपर की साइड ले आना है। चलो ये देखो, ये हम ऊपर की साइड ले आए, सबसे टॉप वाले पोजीशन तक के लिए लाना है। सबसे टॉप वाला पोजीशन हमारा यहाँ पे, हम यहाँ तक के लिए खींच लिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ गोल्डन पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको देखो ये सारे लाइंस जो बना के दिए ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ये ऑटोमेटिक बना के दिया फिबोनाची टूल, इसको इस तरीके से मतलब एनालिसिस के, इसका एनालिसिस अगर देखना है ना, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा पूरा, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना, बहुत ही प्यारा सा एनालिसिस है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लेना। फिबोनाची का पूरा इस्तेमाल करना, पूरा लगाना भी आप सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको, मैं इससे फटाफट बता रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको नीचे के साइड के लिए लगाना है, जैसे मतलब ये इतना बड़ा चार्ट है हमारा, आगे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके लिए आपको दोस्तों देखना है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे नीचे की साइड के लिए लगाना है, तो आपको क्या करना, फिबोनाची को वापस सेलेक्ट करना है, इस मिडल पार्ट को सबसे ऊपर लगाना, सबसे टॉप पोजीशन पर जो सबसे हाई है चार्ट पे, जितना मतलब मार्केट में जितना कैंडल अभी दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को लगाना है, उस पर एक क्लिक करना है, और फिर दोस्तों नीचे खींच के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से नीचे डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे जो फिबोनाची सेट होता है, इसका यूज़ कैसे करना है ना, उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा, आप जाके उसको वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। दोस्तों अभी मैंने 2 से 3 आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बताए, कम से कम 5 टूल्स तो बताए हैं, इन 5ों को इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, बस इसको सीखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बताऊँ ना, ये फिबोनाची है ना, बहुत ही बेस्ट टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो दोस्तों मैक्सिमम ट्रेडर जो है ना यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडर तो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, इसको अपने सेटअप पे शामिल करते हैं, जिससे दोस्तों अच्छा खासा वो प्रॉफिट भी बना पाते हैं। आपको दोस्तों मालूम नहीं होगा, बहुत सारे ट्रेडर आपको बताएंगे नहीं, लेकिन दोस्तों वो यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, ये बहुत अच्छा टूल है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखो, आप भी दोस्तों इसको इससे जो ट्रेड करो, मेरा वीडियो से नहीं सीखो, अगर वीडियो से सीखो, लेकिन फिबोनाची को जरूर सीखना, प्लस में प्राइस एक्शन सीखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे अलग अलग वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आप दोस्तों डेली कुछ ना कुछ जो है नया सीखोगे ट्रेडिंग के रिलेटेड।